नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं लोकल 18। पूर्वी चंपारण जिले में के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ दिखाया, अभी बहुत कुछ दिखाया जाना बाकी है। इसी कड़ी में जो है हमारे साथ पूर्वी चंपारण के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूर्वी चंपारण में टैटू का नया नया चलन जो शुरू किया है। हालांकि ये चलन 2014 से ही इनका चल रहा है, लेकिन अभी जो है काफ़ी ट्रेंड में है। और टैटू, बहुत सारे टैटू जो हैं वो कौन से टैटू ट्रेंड में हैं, कितने तरह के टैटूज होते हैं, आप कितने तरह के टैटू बनवा सकते हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए द टैटूज़ के जो है वो कुणाल जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कुणाल जी, लोकल 18 पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच कुणाल जी। ये सफ़र जो था टैटू का, ये आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए। टैटू मैंने बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया था, जब मैं स्टूडेंट था। उस टाइम एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आर्ट्स में था, तो ना मुझे आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट था कि फिर मैंने डिसाइड किया कि अपना लाइफ कैरियर में इसमें ही डिसाइड करूँ। तो फिर मुझे पता चला टैटू की इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कि टैटू का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। तो मैंने ये सोच के मैंने 2014 में स्टार्ट किया ये दी टैटू मेकर का काम। तो इसके लिए ट्रेनिंग अथवा कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कहाँ से आपने किया ये सब? टैटू के जब डिसाइड किया मैंने टैटू के लिए, तो सर्च बहुत सारा ऑप्शन था मेरे पास। फिर मैंने सर्च किया मुंबई में महेश चौहान है। फिर मैं वहाँ जाके 1.5 साल मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग लिया, वहाँ से प्रैक्टिस किया मैंने पूरा। दिल्ली में आपने पढ़ाई की, तो माता पिता की बहुत सारी उम्मीदें होंगी, तो फिर अचानक से एक स्टडी के बाद माता पिता सोचते हैं चलो बेटा ये बनेगा, बड़ी कंपनी में जॉब करेगा, अमेरिका इंग्लैंड ये वगैरह सोचते हैं। आपने जब टैटू के बारे में सोचा, पहली प्रतिक्रिया घर पे क्या थी? एक्चुअली जब मैं DU में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं, वहाँ से मैंने अकाउंट ऑनर्स किया था। उसके बाद मैंने जर्मन लैंग्वेज किया गोएथ इंस्टीट्यूट से, तो मेरी प्लेसमेंट हो रही थी जर्मनी, तो मेरे घर वाले ने सीधा मना कर दिया कि तुम्हें आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना है। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं फिर बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो क्यों 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 मना कर दिया? बस वो घर का एक प्यार होता है कि बाहर नहीं जाना है, घर पे अकेले थे क्या? नहीं, दो भाई हैं, बट घर वालों का ये था कि बाहर नहीं जाना है। अच्छा। रहना इंडिया में ही है, तो लोग बाहर नहीं जाने दिया उन्होंने, कहीं विदेशी हो गए जाकर इसलिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अपन यहीं पर स्टार्ट करते हैं काम। तब मैंने टैटू का काम स्टार्ट किया। मुंबई से मोतिहारी तक का सफ़र जो था वो कितना आसान और कितना मुश्किल था? टफ तो बहुत था एक्चुअली, उस टाइम मैं स्टूडेंट था और स्ट्रगल टाइम तो थोड़ा होता है, परेशानी बहुत होते थे, फिर भी मैंने मैनेज किया। धीरे 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 सब कुछ अच्छा हुआ, बहुत टाइम लगा। तो पूर्वी चंपारण की ज़मीन पे जब आए, मोतिहारी आए, तो ये तो गांधी जी की अहिंसा की भूमि है, और टैटू बनता है तो पेन होता है, तो यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही शुरू शुरू में, जब टैटू का एक कल्चर आपने यहाँ शुरू किया? जब स्टार्टिंग मैंने किया था टैटू का, तो उस टाइम तो थोड़ा सबको ऑड लगता था कि क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं था, बहुत लोगों को नॉलेज था। फिर धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चला कि हाँ कि टैटू एक आर्ट है, इस मतलब बहुत सारे लोगों का जो चॉइस होता है कि मुझे ये बनाना है वो बनाना, धीरे धीरे सब लोग पसंद करने लगे। और आज के टाइम में है कि सब ट्रेंड में है, सब चाहते हैं कि मेरे ऊपर एक टैटू हो। तो उस समय आप आए होंगे, तो आप तो आपका बैनर मैंने देखा, एक कंकाल का फोटो बाहर लगा हुआ है, लोग देख के डर जाते होंगे कि पता नहीं भीतर क्या करता होगा। लेकिन बहुत सारे फैमिली हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो देखते क्या होता है या नहीं होता है। फिर वो जब आने लगे तब उनको समझ में आया कि हाँ, आपको देखते होंगे तो थोड़ा सा और घर आ जाता होगा। वो थोड़ा देख के लगता है कि हाँ, थोड़ा सीनियर है वो, इस टाइप का आता है। तो टैटू का सफ़र ये शुरू हुआ फिर मोतिहारी में, तो यहाँ पे जो है किस एज ग्रुप के जो हैं वो लोग ज़्यादा टैटू चाहते हैं, बनवाते हैं? सारे टीनेजर हैं, अप्रोक्स 20-30 के बीच के ही सारे आते हैं। सीनियर लोग भी आते हैं, मैम लोग भी आती हैं जो मैरिड हैं, वो लोग कपल टैटूज़ करते हैं, सारे लोग आते हैं। और ये जो टीनेजर ग्रुप के जो लोग आते हैं, ये किस टाइप का टैटू चाहते हैं, किस टाइप का टैटू बनवाते हैं? ज़्यादा टीनेजर में लोग नेम के लिए आते हैं, मॉम डैड का टैटू करवाते हैं, ज़्यादा मॉम डैड का ही यहाँ करवाते हैं जो टीनेजर है। और क्या धार्मिक ग्रुप भी आते हैं कि भगवान का बनवा दीजिए, राम का बना दीजिए, कृष्ण का, क्योंकि जय श्री राम कल्चर में है, महादेव कल्चर में, तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है? महादेव लवर तो सारे हैं, सबको पता है, तो टीनेजर में भी महादेव टैटू सब बनाते हैं, उनका पोर्ट्रेट टैटू भी बनता है, नेम महाकाल ये सब तो ट्रेंडिंग है, सब बनाते हैं। पहले के ज़माने में जो हाथ पे टैटू बनता था, तो उसमें लिखा था कलुआ की वाइफ,
कलुआ की पत्नी, ये सब लिखाता था, तो क्या आज भी वो लोग आते हैं लिखवाते हैं कि हाँ रमुआ की पत्नी, रमुआ की ये, ऐसा नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, पहले उस टाइम का जैसा थॉट था उसके अकॉर्डिंग कराते थे लोग, अब सिर्फ नॉर्मल टैटू, जैसे हस्बैंड वाइफ का नेम है तो कपल टैटू कराते हैं सब, तो हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम, वाइफ अपने हस्बैंड का नाम, बस नॉर्मल इसी करवाते लोग। कभी ऐसा स्थिति नहीं आया कि कोई हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ हंसी मजाक किए हों कि इनके भी हाथ पे लिख दीजिए कलुआ की वाइफ? हाँ वो तो होता है, सब फनी तो होती है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अक्सर महिलाओं के हाथ पे जो है पति के नाम लिखवाए जाते थे कि ये रमुआ की वाइफ है, ये कलुआ की वाइफ है, तो वो कल्चर से निकल के आज टैटू के इस बड़े मुकाम कल्चर की ओर आए हुए। हमारे दर्शकों को बताइए कुणाल जी कि टैटू कितने तरह के होते हैं? टैटू एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक टेम्प्रेरी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्प्रेरी होता है वो वन वीक के लिए पार्टी वार्टी के लिए होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वैसे बच्चों के लिए मानो तो वैसा होता है। परमानेंट टैटू में ये होता है कि उसमें 3D टैटू होते हैं, रियलिस्टिक टैटू होते हैं, पोर्ट्रेट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसा चाहता है। आजकल में जैसे पोर्ट्रेट टैटू चल रहे हैं, कोई अपने मॉम डैड का फोटो बनवाना चाहता है उसे रियलिस्टिक टैटू बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं, तभी ना पोर्ट्रेट रियलिस्टिक ज़्यादा ट्रेंडिंग में, सब लोग अपने मॉम डैड का सबका वो फोटो बनाते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे नॉर्मल नेम को हो गया, नॉर्मल टैटू हो गया, 3D में भी टैटूज़ आते हैं, कलरफुल टैटूज़ आते हैं, वो सब आते हैं। तो इसके लिए क्या कोई एज ग्रुप आपने फिक्स कर रखा है कि भाई 18 प्लस आओगे तभी बनाएंगे या फिर ऐसा कुछ? हाँ 18 प्लस कंपलसरी है, 18 से ऊपर का ही टैटू हम बनाते हैं। हमारे यहाँ अगर जो कस्टमर आते हैं हम पहले प्रॉपर फॉर्म भी फिल कराते हैं जो 18 प्लस है, उनका नेम एड्रेस सब कुछ, तभी हम टैटू उन पे बनाते हैं। और भी टैटू में कुछ जानकारियाँ हों जो कि टैटू कराने से पहले या टैटू कराने के बाद अपनाई जाती है, उनके बारे में कुछ बताइए। ऐसा कुछ ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि कुछ नीड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैम लोग के बारे में बहुत सारी लेडी मैम जो आती हैं तो उनका होता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको थोड़ा प्रिक्वेशन होता है कि वो अप्रॉक्स 1 ईयर तक टैटू नहीं करा सकती है, तो उनके लिए हम स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि मैम आप टैटू नहीं करा सकते, और किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई साइड इफेक्ट भी इस टैटू का होता है कलर को लेकर या फिर केमिकल्स को लेकर? हम सारे इतने सारे स्टेलाइज इक्विपमेंट है हमारे पास, हम सारा जितना भी इक्विपमेंट है ईच एंड एवरी टैटू पे हम चेंज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे जितनी भी इक्विपमेंट है मेड इन जर्मनी और जितने कलर्स हैं सारे हमारे मेड इन USA आते हैं, तो स्पेशली ये स्किन के लिए बना हुआ है तो साइड इफेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। वो डिपेंड करता है कस्टमर कैसे केयर कर रहा है, कस्टमर अच्छे से केयर नहीं करता है तो थोड़ा बहुत इन्फेक्ट होता है, फिर वो रिकवर हम कर लेते हैं अगर प्रॉब्लम होता है तो। किस तरह के इन्फेक्शन लगभग होते होंगे कुछ? इन्फेक्शन लाइक जैसे जब टैटू बनाते हैं तो स्किन छोड़ता है वो कुछ टाइम बाद होने के बाद, तो कस्टमर को पता नहीं चलता, वो नेल लगा नाखून लगा देते हैं उसमें। अच्छा। तो नाखून लगने से ना उसमें जख्म हो जाता है, खुरच देते हैं उसको, खुरच उसको बोलते हैं, हाँ खुरच देते हैं, तो वो जख्म हो जाता है, तो बस उसकी वजह से ही थोड़ा दाने निकल जाते हैं और कोई इन्फेक्शन नहीं, फिर अपन उनको बोलते हैं कि आप मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाता है। दो तरह के टैटू के बारे में आपने बताया कि परमानेंट टैटू, एक बताया टेम्प्रोरी टैटू, तो टेम्प्रोरी जो टैटू होते हैं वो तो धीरे धीरे ख़त्म होते जाते होंगे, तो क्या उस दौरान अगर कोई खुरच दे तो उस पर घाव आ जाएगा या फिर कुछ परमानेंट दाग रह जाएगा ऐसा कुछ? टेम्प्रेरी में हाँ। नहीं टेम्प्रेरी में कुछ भी नहीं होता, वो तो एक लाइक वो कलर से बनता है, आप उसको पानी डाल के ऐसे हटा दो वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होता, वो टेम्प्रेरी। अगर परमानेंट टैटू किसी ने बनवा लिया है, मान लीजिए लेडीज़ एक शादीशुदा महिला है वो बनवा ली, अगर उनके पति डिस्प्यूट कर दिए उस फिर हटाना हो तो फिर आप उस परमानेंट टैटू को हटाएंगे कैसे, क्या ऐसा कुछ है? पहले तो स्टार्टिंग में नहीं था हमारे पास, अभी 2-3 साल से हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। अगर कोई भी टैटू अगर पुराना है आपका, हमारे पास अभी ज़्यादा कस्टमर आते हैं, जैसे लाइक डिफेंस में टैटूज अलाउ नहीं है तो मेरे पास सारे कस्टमर आते हैं, जैसे बड़ा टैटू है चाहे छोटा टैटू है वो डिपेंड करता है कैसा है, तो वो हम 2-3-4 सेशन में उसको रिमूव कर देते, परमानेंट रिमूव हो जाता है। लगभग कितने दिनों में? स्किन रिकवर अप्रॉक्स 3-4 मंथ में हो जाता है, पूरा दाग हट जाएगा, प्रॉपर स्किन पहले की तरह स्किन एकदम रिकवर हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से कुणाल जी ने बताया कि अगर टैटू आप बनवा चुके हैं और हटाना चाहते हैं उसको किसी कारणवश, तो आप यहाँ आकर लेजर ट्रीटमेंट के माध्यम से उसे हटवा भी सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध है। कुणाल जी एक अप्रॉक्स रेट, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन एक अप्रॉक्स रेट क्या है परमानेंट और टेम्प्रेरी का? परमानेंट टैटू जो है हमारे यहाँ स्टार्टिंग 500 पर इंच से है, ठीक है। अगर जो बड़ा टैटू होता है
तो लाइक पोर्ट्रेट हुआ या फिर फुल आर्म्स फुल बॉडी टैटू हुआ, वो फिर हम इंच पे प्राइस नहीं लेते, वो डिज़ाइन पे प्राइस लेते हैं। मतलब स्टार्टिंग प्राइस हमारा 500 ही है, जैसा डिज़ाइन हुआ इसके अकॉर्डिंग हम प्राइस लेते हैं। 500 से 5000 भी जा सकता है, 5000 10000 वो डिपेंड करता है कैसा टैटू है। अगर कोई महादेव केवल बनवाना चाहे तो क्या उसे इंच पे लेंगे आप? महादेव अगर नॉर्मल हुआ तो अप्रॉक्स इंच पे ही जाता है, मतलब 1000-2000 में तो आ ही जाता है नॉर्मल टैटू। तो हमारे साथ चकिया से आए हुए एक शख्स हैं जो टैटू बनवाने आए हुए हैं। ये देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण का जो है मोर का जो पंख होता है वो है, और नीचे भगवान शिव की डमरू है। सावन का महीना चल रहा है, महादेव के ढेर सारे भक्त हैं, और ये कुछ नाम इन्होंने गुदवाया है। अब गर्लफ्रेंड का है या बॉयफ्रेंड का है या वाइफ का है ये मैं नहीं पूछूंगा। भैया क्या नाम हुआ आपका? अमरेश कुमार। अमरेश कुमार, क्या क्या बनवाए हैं भैया, अगर आपने शब्दों में बताएंगे? मैं तो एक मोर पंख बनवाया हूँ, जिसमें ओम और डमरू बना हुआ है, सावन महीना चल रहा है इसलिए जी। और एक नेम का लेटर, फर्स्ट लेटर गुदवाया हूँ यहाँ पे। ये आपके ही नाम का है जी? ये तो देख रहे हैं कि चकिया से चल कर आए हुए हैं ये अमरेश जी, और कहीं ना कहीं चकिया यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से टैटू के इनके मन में इतना क्रेज है और ये टैटू कराने आए हुए हैं। हालांकि टैटू जैसा कि कुणाल जी ने बताया था कि युवा पीढ़ी के बीच काफ़ी क्रेज है, लेकिन बाल पक गया इसका मतलब ये नहीं समझिए कि भीतर से आदमी बूढ़ा हो गया है, क्या भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल, बाल पकने से कोई बूढ़ा पकने से कोई बूढ़ा नहीं होता है। शौक तो फिर सबको होता है, बूढ़े हुआ जवान हुआ बच्चे हो, शौक तो शौक होता है। तो शौक के शौक को पूरा करना है। हमारे साथ एक आर्टिस्ट है यहाँ पे, उनसे हम बातचीत करते हैं जो कि टैटू अभी बना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ मेहरा हुआ। सौरभ जी कहाँ से हैं आप? मैं बेतिया से हूँ। बेतिया से जी। तो यहाँ पे टैटू कब से बना रहे हैं? मैं तो 2-2.5 साल से टैटू कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे भैया के पास। और ऐसे टैटू कब से बना रहे हैं? ऐसे टैटू मैं आपको 6 साल से कर रहा था। 4 साल बेतिया में किया और 2 साल इधर। कैसा एक्सपीरियंस रहा मोतिहारी के लोगों के साथ? मोतिहारी के लोग तो बहुत प्यार करते हैं इधर, काम जितना अच्छा देंगे उतना प्यार करते हैं इधर। दोनों चंपारण है कहीं बा? हाँ बिल्कुल, वेस्ट चंपारण के, हम लोग इस चंपारण के हैं, और चंपारण 2 भागों में जब से बट गया लेकिन दिल नहीं बटा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो महिलाएं आती हैं, और मैं देखा एक दिन आप महिलाओं का भी बना रहे थे, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? उनका भी बहुत ही अच्छा रहता है, वो जैसा डिज़ाइन बोलते हैं हम लोग वैसा करके देते हैं। शादीशुदा महिलाओं में ज़्यादा क्रेज है या फिर लड़कियों में? दोनों में, दोनों दोनों में। हाँ आंटियों में भी है? हाँ बिल्कुल। तो मेरा नाम गोलू है, और ये हम आए हैं यहाँ पे टैटू बनवाने, और काफ़ी जो है अंदर से ये चीज़ था कि सावन का महीना चल रहा है और हम महादेव का भक्त भी हैं, जिसके वजह से जो है हम टैटू बनवाए हैं, और आप देखे भी हैं कि हम महादेव लिखवाए हुए हैं। और हमें मेरा चाहत अंदर से ये है कि अभी जिंदा हूँ तो महादेव से तो मिलने का इतना सौभाग्य मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं महादेव का नाम लिखवा लिया हूँ, और मरने के बाद भी ये चाहता हूँ कि मैं महादेव के शरण में जाऊँ, बस यही सोच करके और टैटू बनवाने आ गया हूँ। कुणाल जी ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे किस सीजन में ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी, ज़्यादा भीड़ रहती है इसको लेकर? एक्चुअली टैटू का मेन जो क्राउड होता है वो विंटर का होता है। विंटर इसलिए कि विंटर में टैटू हील जल्दी होता है, गर्मी में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होता है, धूप होता है तो उसे हील नहीं होता, तो विंटर में कस्टमर ज़्यादा होते हैं। उसके लिए कस्टमर ज़्यादा होते होते हमारे पास 2 आर्टिस्ट भी हैं, एक सौरभ मेहरा हैं जो बेतिया के हैं, एक और हैं सूरज जो गैंगटॉक के हैं, तो हम तीनों चारों का एक टीम है, हम सब मिलकर मैनेज करते हैं। तो हम बात कर रहे थे पूर्वी चंपारण के द टैटूज़ के जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर कुणाल वर्मा जी से, और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी गांधी चौक के आसपास इनका जो है द टैटूज़ है। यहाँ पे टैटू बनाते हैं खुद है, और इनके यहाँ जो है मास्टर जो हैं काफ़ी अच्छे अनुभवी लोग हैं जिनके माध्यम से टैटू बनवाए जाते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने आपको एक महादेव का बनाते हुए दिखाया आपको कि किस तरह से ये महादेव की कितनी बारीक कारीगरी की गई थी, और वो जो कारीगरी आप देख रहे थे उस वो कारीगरी कहीं ना कहीं परमानेंट थी। और मैंने आपको जिनके हाथ पर ये बन रहा था उनसे बातचीत किया, उन्होंने किस तरह से बताया कि महादेव के प्रति उनकी बड़ी आस्था है और यही कारण है कि वो टैटू बनवा रहे हैं। तो आज के इस अंक में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से टैटू का कल्चर जो है पूर्वी चंपारण में बढ़ रहा है, और ख़ासतौर से युवा पीढ़ी में जो है इसको लेकर काफ़ी क्रेज है। पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, लोकल 18।